हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को आजकल हमारा नारकंडा में डेली रूटीन कैसा रहता है सुबह। और यहाँ पे देखो कितनी ज़बरदस्त गोभी लगी है ना, मस्त हरा भरा। और इधर को देखो, और ये रहा आलू, और सूरज भी बहुत ऊपर आ गया है। गाइस, आजकल मॉर्निंग रूटीन हमारा यूँ रहता है कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं मजे ऐसे, और मस्त 1 घंटा स्कूटी सीखने जाते हैं। और ये दिख रहा है सामने, ये है नारकंडा का पेट्रोल पंप, इसके जस्ट नीचे रहते हैं आजकल हम लोग, और यहाँ से जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कितना लंबा लंबा घास हो गया है क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। भाई ये तो सामने दिख रहा है माउंट व्यू होटल है, और यहाँ पे जो इसका कोना दिख रहा है ऊपर से थोड़ा सा इसका हौसला रहा है। तो जो स्कूटी होती है हमने की होती है पार्क नेशनल हाईवे 5 में। और ये देखो रास्ते में बिच्छू बूटी, अगर ये पैर में टच होगी ना, ये बहुत ज़्यादा खारिश होती है। ये देखो ये बिच्छू बूटी, इसके जो कांटे जैसे होते हैं ना बहुत डेंजर होते हैं यार। उस वो ये डेली ना ये छोटा सा खड़ पार करना पड़ता है हमारे को, और यहाँ पे पता नहीं किसने हक दिया था। और ये देखो हमारी एक्टिवा, सॉरी एक्टिवा नहीं है, ये एक्सेस। और इधर पड़ा हुआ है ये नेशनल हाईवे 5, ये जाता है रामपुरी कांकियो किन्नौर की तरफ, काचा की साइड, चितकुल भी यहीं से जाते हैं, और इस साइड को जाएगा शिमला साइड। ये जो डोजर दिख रहा है ना, ये छोटा मोटा डोजर नहीं है, ये यहाँ पे जो जब्बर पड़ती है ना सर्दियों में, उसको हटाने के लिए रखा हुआ है इसको यहाँ पर। जब तक बर्फ़ नहीं पड़ेगी ना, यहीं पे जंग खाता रहता है। और यहाँ पे देखो कितना खतरा वाला गाड़ी ठुका हुआ है, पता नहीं किसका है यहाँ पे रखा हुआ है बट। और ये देखो डोजर ऐसा होता है बर्फ़ हटाने वाला सड़क से, यही है जो सर्दियों में स्नो हटाता है सड़कों से। और वहाँ पर भी एक खड़ा, और ये तो तारकोल वाला है इधर, और इसका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, अभी भराना पड़ेगा। और गाइस देख लीजिए, ये सुबह सुबह ब्लॉगिंग हो रही है, साथ में स्कूटी चलाई जा रही है। नीचे को जाना, कोई बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। सुबह सुबह यहाँ हमने नीचे को सीखना था, नीचे को सीखना है, नीचे को जाना है। कोई वीडियो बनी कि नहीं? अरे ओ यार माँ, चला लो मिनट। तो गाइस स्कूटी सीखने इस लोकेशन पे आए हम। ये देखो यहाँ पे ना सर्दियों में स्नो एक्टिविटी कराते हैं, आए हैं पूरी चढ़ाई में सीखने के लिए। अभी हम सीधे सीधे में सीख रहे थे, तो आज उतराई चढ़ाई में सीखेंगे। तो गाइस आप लोगों को बता दूँ, मैं नहीं सीख रहा स्कूटी, मैं बल्कि मैं सिखा रहा हूँ। मैं तो पहले से एक राइडर हूँ यार। तो गाइज मैंने बाइक स्कूटी चलाना 2016 में सीख लिया था, तो अभी तो मेरे को बहुत साल हो चुके हैं। हाय यार, बहुत स्कूटी सिखाने वाला का यार, बाइक सिखाने वाला का बुरा हाल होता है, पीछे पीछे बहुत दौड़ना पड़ता है। देखो मेरा राइडर ऊपर पहुंच गया है। तो गाइज सुबह सुबह मिल गया एक दोस्त। हाय, और कैसे हो? तो गाइस दोस्त जा चुका है। तो गाइस अभी मैं हूँ पूरे देखो मस्त देवदार के घने जंगलों के बीच में, और यहाँ पे रात को ना बहुत ही डरावना होता है, और रात में ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है ना बहुत लंबे लंबे, और यहाँ पे पूरा बिल्कुल काला हो जाता है। सुबह सुबह ना मस्त चिड़िया चहचहा रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आनंद आ रहा है कानों को सुन के। तो गाइस वापस आ गए हम स्कूटी सीख के। और तो गाइस ऐसा रहता है आजकल मेरा कुछ मॉर्निंग का रूटीन। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।